शिमला जिले की खूबसूरत चांशल घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। वैसे तो चांशल घाटी में बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन जून के महीने में भी यहाँ बर्फ देखी जा सकती है। मई महीने में बर्फ पिघलने के साथ ही यहाँ पहुँचने वाली सड़क यातायात के लिए बहाल हो जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए रोहडू से करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ घूमने आए पर्यटक चांशल घाटी को किसी जन्नत से कम नहीं मानते। हालांकि पर्यटक यहाँ मूलभूत सुविधाएं जुटाने की सरकार से मांग भी करते हैं। तो हम लोग दिल्ली से आए हुए, कुछ फैमिलीज हैं साथ में, ऑल बाइकर्स। प्लेस इज ब्यूटीफुल, पर इसको साफ सुथरा और बिल्कुल ऐसे रखना कम भीड़ जरूरी है। अभी तक जितने भी हिल स्टेशन आप देख लीजिए, मसूरी, शिमला, नैनीताल, इन सब की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो भीड़ भी आएगी। हाँ, इतना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा आसानी, जहाँ हम लोगों को 24 घंटे लगे दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये सड़कें वो सब ठीक होंगे तो टाइम विल बी मच लेस और लोग थोड़े आएंगे भी ज्यादा। वो लोकल्स के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है। जब मतलब इतना ट्रैवल करके दिल्ली से आए तो बच्चे भी बहुत थके हुए थे, बट जब यहाँ पे व्यू देखा तो इट वाज वर्थ कमिंग। और इसको ऐसे ही रहना चाहिए, क्लीनिनेस यहाँ पे मेंटेन करी हुई है, वी कुड सी दैट। बट कुछ अरेंजमेंट्स होना चाहिए वॉशरूम का, सो दैट ये जो ब्यूटी है वो वैसे की वैसे इंटैक्ट रहे। गर्मी के मौसम में भी चांशल घाटी में सुबह शाम तापमान शून्य से नीचे रहता है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है। चांशल घाटी का मौसम पल भर में बदलता है और यहां ओला वृष्टि व वर्षा से बचने के लिए चट्टानों की पनाह लेनी पड़ती है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों में गद्दी अपनी भेड़ बकरियां चराते देखे जा सकते हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटकों को इतना सुकून मिलता है कि वे खुशी से झूम उठते हैं। चांशल घाटी के आसपास की वादियां अद्भुत नजारा पेश करती हैं और यहाँ घूमने आने वाले सैलानी इसे मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा देते हैं। चांशल घाटी घूमने आने वाले पर्यटक खाने पीने का सामान अपने साथ लाते हैं और एक साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।